प्रेजेंटेड बाय केआर फिल्म साहिबगंज। हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं दीपक राजारियन और आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल के आर फिल्म्स भोजपुरी में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ स्पेशल पैक्स आप लोग के लिए लेकर आया हूं और कुछ प्रोवाइड भी करने वाला हूं। तो चलिए, ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए और प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा एंड फाइनली मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको तीन जो राइट साइड में जो आपको तीन फाइल दिख रहे होंगे जो कि विरार में है, और यहाँ पे इस जो ये जो फाइल है इसमें काफ़ी सारे पैक्स है और इसे मैंने दरअसल ये लगभग 2.5 GB का पूरा प्रोजेक्ट है FL स्टूडियो का। इसके अलावा भी बहुत सारे पैक्स है अवेलेबल मेरे पास, तो बट मैंने यहाँ पे ये सिंपली अभी नॉर्मली यहाँ पे तीन को मैंने मतलब कि ऐड टू अचीव किया हूँ मैंने इसे विनरार में। और ये देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पे डायलॉग पैक है, लगभग 1.12 GB, लगभग 1.5 GB के आसपास का एक है। और दूसरा जो है वो ये फुल डीजे हार्डबीट है, इसमें सभी आपको BPM के मिलेंगे। और तीसरा जो है इसमें आपको ढोलकी और की क्लैप स्नेयर घुंघरू सभी प्रकार के आपको यहाँ पे पैक्स अवेलेबल मिल जाएंगे। और इसके बाद में यही जो जो तीन प्रोजेक्ट है इसी का दूसरा फोल्डर है यहाँ पे, मैंने इसे अलग अलग करके मैंने इसमें विनरार में इसे किया हुआ है कॉपी। तो उसके बाद में आते हैं, चलिए आपको मैं यहाँ पे आपको ये कुछ जो पैक्स है लुप्स है उसके मैं कुछ सिंपल आप लोगों को दिखाने वाला हूँ सिंपल, क्योंकि मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो फाइल जो है यहाँ पे ये लगभग 1.5 GB 2 GB की है। तो आपको मैं दिखा दूँ कि अगर आप डाउनलोड करते हो तो अगर आप बाद में आपको पता चलता है कि ये सभी आपके पास अवेलेबल है तो आप मतलब कि थोड़ा मतलब गुस्से हो जाओगे कि भाई ये सब मेरे पास था, मैंने फालतू का डाउनलोड कर लिया ये वो। तो इस वजह से मैं पहले आपको दिखा दूं कि मेरे पास जो भी ये फोल्डर है इसमें कौन कौन से पैक्स है लुक्स वगैरह है, तो आप देख लो। अगर ये अगर आपके पास है तो आपको डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करें, इंजॉय करें। और चलिए, तो मैं यहाँ पे सभी पैक्स को एक एक रिव्यू करता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे जो पहला है यहाँ पे ब्रेक का है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रेक है जो आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार के है, सॉरी ये कुछ ऐसे VLC में सपोर्ट नहीं लेते हैं, अदर सॉफ्टवेयर में ले लेंगे, आपके FLP में ले लेगा ये सॉफ्टवेयर, भले ये जो भी पैक्स वगैरह है। तो ये सभी हैं मतलब कि ब्रेक है, और जिससे कि सॉन्ग में काफ़ी जो ब्रेक पे से काफ़ी क्वालिटी आती है सॉन्ग में, तो काफ़ी मज़ा आता है ब्रेक से, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। उसका मैं आते हैं यहाँ पे ढोल बेस का है, ये मेरा दूसरा जो है यहाँ पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, जल्दी दिखा रहा हूँ, काफ़ी सारे हैं इसमें, लगभग 300-400 है इसमें। तो ये आप देख लिया आपने, जो दूसरा जो था ये ढोल बेस था, तीसरा जो है ये ढोलकी लूप है। यहाँ पे आपको सभी प्रकार के BPM पे मिलेंगे आपको, यहाँ पे ढोलकी जो है 94, 100, 105, 100, 115, 120, 125, 30 सभी BPM के यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, तो सुन लीजिए आप। देखिए कुछ इसमें ब्रेक टाइप के भी बनाए हुए हैं, और यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ ये जो यहाँ पे ढोल साउंड जो है हार्ड बेस, यहाँ पे हार्ड बेस, और इसमें आपको ढोल साउंड का हार्ड बेस भी मिलेगा, और हार्ड बेस में यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्ड बेस जो है, देखिए देख सकते हैं ये काफ़ी हार्ड है, ये जैसे कि DJ विक्की वगैरह जो यूज़ करते हैं ये वही सभी हार्ड बेस है। और जब इसे आप रिमिक्स करते हो किसी सॉन्ग को, और अगर आप किसी भी DJ वाला अगर फुल बेस में अगर इसे प्ले करता है तो काफ़ी मज़ा आता है सुनने में, और आपकी जो रिमिक्सिंग क्वालिटी जो है वो देख सकते हैं कितना हार्ड है। और इसके अलावा इसके बाद भी यहाँ पर हार्ड किक है, और भी मतलब बहुत सारे हार्ड किक है, देखिए मैं जब प्ले कर रहा हूँ तो मेरा जो हेडफोन है वो काफ़ी मतलब ढक ढक मतलब कि एक जो होता नहीं उस तरह का ये लग रहा है पूरा, यहाँ पे कुछ ढोल साउंड्स है,
तो देख सकते हैं फोल्डर के अंदर भी काफ़ी सारे फोल्डर्स हैं और आपको काफ़ी दुनिया के सभी पैक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे अवेलेबल, तो आपको दूसरा कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये मास्टर किक है, ये अगर आप अगर चैनल रैक पे अगर इसको अगर 3-4 करके अगर लगा दे रहे हो तो मतलब कि समझिए कि साउंड जो है फट जाएगा साउंड। तो ये सभी अगर यूज करते हो हार्ड, मतलब कि पूरा फुल हार्ड है, यहाँ पे काफ़ी सारे फोल्डर के अंदर भी काफ़ी सारे फोल्डर हैं। यहाँ पे तीसरा जो चौथा जो फाइल है यहाँ पे ढोलकी तबला है, हार्ड किक है, और यहाँ पे ढोल सैंपल्स है कुछ आप देखिए इसे, और इसके अलावा यहाँ पे ढोलक सैंपल है, और सॉरी देखिए यहाँ पे हार्ड किक है, ये तबला सैंपल है, तो ये तबला का सैंपल है यहाँ पे। और इसके बाद में आते हैं यहाँ पे ढोलक है, वाइब्रेशन बेस मिलता है यहाँ पे आपको, ये देखिए मतलब कि ये काफ़ी जो है इससे थोड़ा ये जो वाइब्रेशन जो बेस है ये कम ही लोग यूज करते हैं, क्योंकि इससे थोड़ा हार्ट का जो होता है वो प्रॉब्लम हो सकता है। अगर काफ़ी ज़्यादा अगर बेस ये जो वाइब्रेशन बेस अगर यूज कर रहे हैं किसी डीजे में, अगर फुल बेस में अगर कर दिया जाए किसी भी अगर अच्छा क्वालिटी का जो भी साउंड सर्विस है, तो वहाँ पे अगर कोई हार्ट का अगर कमज़ोर हो तो उसे फिर हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो इस तरह का है यहाँ पे, आपको काफ़ी सारे मिलेंगे फोल्डर्स के अंदर भी काफ़ी सारे फोल्डर्स है। यहाँ पे आते हैं मेन पार्ट्स पे, ये मेरा फेवरेट है, यहाँ पे डायलॉग्स आपको काफ़ी सारे मिलेंगे, आप डायलॉग सुनिए एक दो मैं सुनाता हूँ, सॉरी कोई सपोर्ट नहीं है। ये क्या था भाई, बेस 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 बेस, आने वाले तूफान से पहले तो यहाँ पे और भी बहुत सारे डायलॉग्स हैं, इसमें सभी पर अलग डायलॉग्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारे फोल्डर्स हैं जो कि आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे आते हैं ये जो है ये हार्ड ढोल की बीट है, ये ढोलक है, और इसके अलावा भी काफी सारे हैं यहाँ पे फीमेल वोकल पैक है, आप देख ले। इट्स क्या नाम है आप, कम ऑन, क्या नाम है आपका, अच्छा क्या नाम है आपका। तो यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे फीमेल वोकल्स पैक है, और इसके बाद में डीजे ढोलकी का है, यहाँ पे सभी बीपीएम का है, और भी काफ़ी सारे पैक्स हैं। तो ये सभी इंडियन पैक्स भी है, यहाँ पे आप आते हैं यहाँ पे आपको काफ़ी सारे पैक्स मिलेंगे, सॉरी कोई सपोर्ट नहीं लेता है, कुछ प्रीसेट भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे बना बनाया। Go. ये घुंगरू है लक्ष्मणपुर, देखिए ये वाइब्रेशन है। तो
काफ़ी सारे हैं और इसका सभी का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया हुआ है। अगर आप डाउनलोड करना चाहो तो आप डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आपके पास ना हो तो आप कर लो, अगर है तो कोई बात नहीं है, फालतू MB बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद में इसे किस तरह से कॉपी करते हैं FL स्टूडियो में वो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जो विनरार प्रोजेक्ट आपको जो मिलेगा उसमें आपको सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करना होगा। इस पर राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फाइल पे ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे ओके पे क्लिक करना होगा। उसके बाद में पासवर्ड मांगा जाएगा, तो पासवर्ड आपको सिंपली डालना है, और पासवर्ड जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप देख कर इसे आप डाल लेना पासवर्ड को। और इसके बाद में डालने के बाद में ये ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरह में आ जाएगा, इस तरह के फोल्डर्स में आपको आ जाएगा। तो इसके बाद में इस फोल्डर को यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले FL स्टूडियो ओपन करना है। पहला ऑप्शन में बता रहा हूँ आपको, सिंपली जाना है ऑप्शन में, और उसके बाद में जाना है आप जनरल सेटिंग में भी जा सकते हैं, फाइल सेटिंग में भी जा सकते हैं। तो अगर जनरल सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पर आपको फाइल पर जाना होगा, तो ये फाइल सेटिंग आ गया, और इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। तो आपको सिंपली करना क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पैक जो है यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे अपडेट किया हुआ है, अपने इंस्टॉल किया हुआ है FL स्टूडियो 20 में। और इसके बाद में अगर आप यहाँ पे काफ़ी सारे आप लगा सकते हैं फोल्डर को, सिंपली इस पर क्लिक करना है। और इसके बाद आपका जो लोकेशन है PC जहाँ भी हो, जैसे मेरा D में है तो D में जाऊँगा, और उसके बाद में यहाँ पे DJRDN में जाऊँगा, और इसके बाद में मेरा जहाँ भी लोकेशन होगा उस लोकेशन को चूज करूँगा और उसका मैं ओके कर दूँगा, तो वो सभी पैक जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। और दूसरा जो ऑप्शन है उसके लिए क्या करना है, सिंपली आपको नीचे जाना है, और इसके बाद में जैसे यहाँ पे आपको काफ़ी सारे पैक्स देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे आपको सबसे जो ऑप्शन है यहाँ पे जो इसका जो पाथ है वहाँ पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे कॉपी एड्रेस, और इसका में जाना है FL स्टूडियो में, और यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके इसे आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करते ही आप जैसे ही पेस्ट करोगे तो वो वहाँ पे आपको देखने को पेस्ट करते हो, उसके बाद वो आपको वहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा आपको। तो मेरा ऑलरेडी है तो मैं इसे क्लियर कर दूंगा, मैं इसे यहाँ से क्लियर कर दूंगा कि मैं, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी है इंस्टॉल, तो मैं इसे डिलीट कर दिया। तो पहला ऑप्शन ये है, और दूसरा ऑप्शन जो है आपको जाना है, सिंपली आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे जाना है ओपन फाइल लोकेशन पे यहाँ पे, और इसके बाद में यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का लोकेशन आ जाएगा। आप डायरेक्टली इस पे देखिए, इस पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे फाइल लोकेशन पे जाना है, आपका फाइल आ जाएगा। या दूसरा ऑप्शन भी है आपके पास, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाइए, प्रॉपर्टीज में अगर मैं यहाँ पे ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करना है तो सेम वही प्रोसेस है, सेम थिंग जो है वहाँ पे है। और सबसे पहला जो आपको जाना है डाटा में, और उसके बाद में आपको जाना है पैक्स में, और उसके बाद में जाना है यहाँ पे पैक्स में, और पैक्स में जाने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी अगर आप डाउनलोड करते हो FL स्टूडियो तो ये लगभग 600 MB की आसपास की आती है। तो वहाँ पे आपको ये प्रीसेट मिलता है डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे काफ़ी सारे जो पैक्स हैं मिलेंगे, जैसे कि आपको ड्रम्स, और उसके बाद में यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लीजिए, सी लूप्स, राइजर, इफेक्ट्स वगैरह सभी प्रकार के आपको वोकल्स वगैरह मिलते हैं यहाँ पे ऑलरेडी, और आपको सिंपली इसी पे आपको लेकर इसे पेस्ट कर देना है। तो कुछ बाय डिफ़ॉल्ट भी मिलते हैं FL स्टूडियो में प्रीसेट पहले से ही, और आप इसमें ये जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसे आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा, अगर आप डीजे रिमिक्सिंग करना चाहते हैं तो ये सभी पैक्स का यूज़ आप कर सकते हैं। और इसके बाद में अगर आप VST अगर कोई डाउनलोड करते हैं, जैसे कोई प्लगइन्स जैसे Fruity EQ वगैरह जैसे प्लगइन्स होते हैं, उसके अलावा भी और भी बाहर से प्लगइन्स आते हैं जिसे नेट के थ्रू डाउनलोड किया जाता है, तो उसे आप अगर करते हैं डाउनलोड, तो उसे डाउनलोड करने के बाद में वो .dll में होता है, तो उसे आपको सीधे यहाँ पे प्लगइन्स का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे ओपन करने के बाद में यहाँ पे VST पे आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है उसे कॉपी करके। तो यहाँ पे वो प्लगइन्स जो है VST प्लगइन्स जो है वो यहाँ पे पेस्ट होता है। VST जो भी प्लगइन्स आते हैं वो भी एक प्रकार के सॉफ्टवेयर ही होते हैं, और इसे VST बोलते हैं, और हम लोग प्लगइन्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर अलग से यूज करते हैं तो VST यूज करते हैं, वो भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही होता है, और दूसरा जो FL स्टूडियो जो है ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो दोनों सॉफ्टवेयर को हम लोग एक साथ जोड़ते हैं, मतलब कि VST को FL स्टूडियो के साथ जोड़ते हैं, तो इस वजह से हम लोग इसे प्लगइन्स भी कहते हैं, क्योंकि दोनों सॉफ्टवेयर को एक साथ हम लोग प्लग करते हैं, मतलब कि जोड़ते हैं। तो यही कुछ नॉर्मल प्रोसेस है इसका। और इसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मेरा जैसे आप करोगे, जैसे मैंने दो बार किया हुआ था, देखिए यहाँ पे DJ, देखिए DJ गुंजा, तो मैंने दो बार डाला था, तो ये दो फोल्डर हो चुका है। तो इसी तरह से आप कर सकते हैं, दो प्रोसेस है, आप इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको मिलेंगे यहाँ पे पैक्स वगैरह, लूप्स वगैरह, तो आप देख सकते हैं। सभी प्रकार के हिट हेड, बैस, क्लैप, स्नेयर वगैरह सभी मिल जाएंगे, और आप इसे इजीली इंजॉय कर सकते हैं। तो आप और
चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से बीट बनाते हैं और किस तरह से हम लोग किसी सॉन्ग को रिमिक्स करते हैं। तो फाइनली आज के लिए इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। और ये मेरा पहला, इसके पहले मैं कई सारे वीडियोज़ बना चुका हूँ FL स्टूडियो से रिलेटेड, वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। और ये लगभग FL स्टूडियो से रिलेटेड बहुत ही कम वीडियोज़ बनाता हूँ, क्योंकि FL स्टूडियो से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ आते हैं, इस वजह से मैं कम बनाता हूँ। ज़्यादातर मैं न्यूडो क्यूबेस और फोटोशॉप डिज़ाइनिंग पोस्टर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। और चलिए फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।